नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, यस वी आर अवेलेबल एंड वी हैव द ग्रेट टीम ऑफ द डॉक्टर्स। प्लीज आई रिक्वेस्ट, इन स्पाइट ऑफ द फोन, जस्ट प्लीज व्हाट्सएप 9226810630। ये अभी हम लगातार एक सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में जानकारी। नो द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, बिकॉज दीज आर वेरी नेचुरल मेडिसिन्स, दे आर वेरी नियर टू अस बिकॉज दे आर फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्रॉम द प्यूरिफाइड मेटल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम बात करने वाले हैं, एक बेहतरीन टैबलेट है जिसका नाम है आरोग्य वर्धिनी। नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसके द्वारा जिस टैबलेट लेने के बाद हरेक व्यक्ति के आरोग्य में सुधार आने वाला है। आरोग्य का मतलब होता है हेल्थ, जिसको आयुर्वेद ने कहा है कि क्यों इस व्यक्ति को हमें निरोगी कहना चाहिए, हेल्दी कहना चाहिए, आरोग्यपूर्ण कहना चाहिए। तो समदोषः समाग्निश्च, जिसकी शरीर में दोष धातु मल ये सब के सब घटक साम्यावस्था में है, उनको हम क्या कहते हैं, निरोगी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसी इसी तरह हमारा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस, हमारी शरीर की प्राकृतिक अवस्था बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, व्याधि प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए जो टैबलेट काम करती है, उसका नाम है आरोग्य बढ़ाने वाली टैबलेट आरोग्य वर्धिनी। बहुत सारी व्याधियों में, व्याधि तो अनेक और आयुर्वेदिक दवा है एक जिसका नाम है आरोग्य वर्धिनी। इसके लिए ही हम आयुर्वेद डॉक्टर्स के यहाँ डिस्पेंसरी में देखेंगे तो सबसे और हर वक्त हर जगह पर आपको एक टैबलेट हर वैद्य के पास नजर आएगी और जिसका नाम है आरोग्य वर्धिनी। इसका तो इंग्लिश वीडियो आपके सामने ऑलरेडी मेरा है। फिर बहुत सारे लोग कहते थे कि सर आप हिंदी भाषा में ये सब वीडियो कन्वर्ट कर दो, हिंदी भाषा में भी बना लो। तो इसी के लिए एक कोशिश है कि अभी हम बात करेंगे हिंदी भाषा में आरोग्य वर्धिनी। इसमें क्या क्या घटक द्रव्य है, इसमें पारागंधक जो है ना मिलकर एक कज्जली बन जाती है और ये योगवाही काम करता है। योगवाही का मतलब है वेरी क्विक एक्शन, कैटलिस्ट, जो बाकी के जो घटक द्रव्य है उनसे होने वाला जो कार्य है वो जल्द से जल्द बनाने के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा में पारागंधक का इस्तेमाल किया गया है। पारागंधक को हम योगवाही इंग्रजी में कैटलिस्ट कहते हैं, मतलब हर जो कार्य है वो तेजी से बनाए। इसके साथ साथ लोह भस्म, आयरन बोलते हैं, ये एनीमिया के लिए, पांडु व्याधि के लिए, दुर्बलता के लिए बहुत काम आता है। हमारा जो अभ्रक भस्म है वो मेंदू के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करता है, जो नर्वस टिश्यू है, हर एक सेल को रीजनरेट करने का काम, स्टिम्युलेट करने का काम, दो जगह पर ही अच्छा काम करता है, एक मेंदू की तरफ और दूसरा है हमारी लंग्स। जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, जिसको भी अल्जाइमर्स की शिकायत है, पार्किंसन यहाँ पर हो गया, तो इन सब के लिए अभ्रक भस्म जो है ना वो सब सेल्स को एक अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ताम्र भस्म, कॉपर, ये भी हमें एनीमिया के लिए काम आता है। और ताम्र भस्म का एक महत्वपूर्ण काम है कि वो लीवर को स्टिम्युलेट करता है। इसके साथ साथ वातानुलोमन करने वाली, हमारी टट्टी अच्छी बनाने वाली त्रिफला नाम की एक दवा है, हिरडा, भेड़ा और आवलकाटी। उसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया रसायन है जो शुक्र धातु तक काम करता है, जिसका नाम है शिला जतु। उसके साथ गुग्गुलू है, चित्रक मूल, चित्रक का पर्याय शब्द है अग्नि, कि जिसके द्वारा डाइजेस्टिव फायर स्टिम्युलेट हो जाता है, हमारी सब पचन व्यापार में सुधार आ जाता है। कटु का, कि जिसको कुटकी भी बोला जाता है, पिक्रोर हाइजा कुरो, ये लैटिन नाम है उसका, ये बहुत ही कड़वी एक वनस्पति है। फिर ये आरोग्य वर्धिनी में 50% ये कटु का ही है। मान लो कि कटु का महत्व आरोग्य वर्धिनी में बहुत सारा है, फिर प्रॉब्लम ऐसा है, देखिए कि आयुर्वेद शास्त्रज्ञ कितने बढ़िया थे। कटु का बहुत ही उपयुक्त द्रव्य है जो लीवर, हमारी शरीर की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब की सब मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है,
उस लीवर ऑर्गन की सबसे बड़ी दवा वनस्पति है कटुका कुटकी पिक्रोलाइजा कुरो। फिर आयुर्वेदिक वैद्य ने सोचा, शास्त्रज्ञ ने सोचा कि अरे ये कटुका तो बहुमूल्य है, फिर कैसे देंगे? कैसे देंगे का मतलब चूर्ण देंगे तो ये 5-10 ग्राम 3 दफा लेना अशक्य प्राय गोष्ट है, अशक्य प्राय, हो ही नहीं सकता, इतनी कड़वी है वो दवा। फिलहाल क्या करेंगे, इसका तो कार्य तो बहुमोल है, तो इसके लिए उसके जो 50% का शेयर था वो ये आरोग्यवर्धिनी में बना दिया, पारागंधक जोड़ दिया और सारे रसायन जोड़ दिए और एक बना दी टैबलेट जिसका नाम है आरोग्यवर्धिनी। इसके साथ साथ हमारी आयुर्वेदिक दवा में हमेशा भावना द्रव्य का भी एक महत्व रहता है, जो यहाँ पर एजा डायरेक्टा इंडिका कड़वा नींबू का रस उसमें मिलाया जाता है। तो आरोग्यवर्धिनी में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कुटकी, और ये कुटकी लीवर पर काम करती है, यकृत के ऊपर काम करती है। आप तो जानते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्यों क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्यों, आयुर्वेद का कहना है कि कोल्ड मतलब वाटरिंग होता है ना नोज से, प्रतिशय बोलते हैं आयुर्वेद में, कोल्ड बोलते हैं आप अंग्रेजी में, तो इससे लेकर कोल्ड से लेकर कैंसर तक, ये देखिए मैं आयुर्वेद का आपको सिद्धांत बता रहा हूं भैया, ध्यान से सुनिए। सर्व रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ, कौन सा भी बीमारी, कौन सा भी डिसीज, चाहे वो पाचन व्यापार की हो, श्वास मार्ग की हो, ब्रेन की हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, कौन सी भी बीमारी में आयुर्वेद का कहना है कि अग्नि का महत्व अनन्य साधारण है। जब तक हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा है, जब तक हमारा पाचन व्यापार अच्छा है, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। कौन सी भी बैक्टीरिया, कौन सी भी वायरस, हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी जब तक हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छी है। तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है लीवर, और लीवर से यह सब डाइजेस्टिव जूसेस हैं, बाइल है, सब की सब अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए, ये जो हमारी विषाली पदार्थ है, जो भी टॉक्सिन्स है हम लेते हैं सांस मार्ग के द्वारा, पाचन मार्ग के द्वारा, वो टॉक्सिन्स निकाल देने का काम भी लीवर ही करती। कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाए रखना, उसका स्टोर करना, चाहे वो विटामिन बी हो, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो अल्बिन प्रोटीन्स हो, उसका संचय किया जाता है लीवर में। तो लीवर का महत्व हमारी जीवन में अनन्य साधारण है। चाहे वो आप शराब की लत है आपको, या और कुछ HIV की बीमारी हो, चाहे वो आपको हिपेटाइटिस बी जैसी बीमारी हो, तो लीवर खराब हो जाए तो सब खराब हो जाए। लीवर का सिरोसिस बन जाता है, पिरासाइटिस बन जाता है और बहुत सारी तकलीफें, पीलिया रोग हो जाता है आपको। तो ये लीवर के लिए हम काम कर रहे हैं आरोग्यवर्धिनी के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा सब के सब पाचक रस अच्छे बन जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे का एक निर्माण है कि उसमें शिला जंतु है, जैसे मैंने अभी कहा कि वो रस धातु से लेकर शुक्र धातु का रसायन काम करता है, ज्यादातर शुक्र धातु के ऊपर भी काम करता है, ओजोवर्धन का काम करता है, शुक्र धातु को बलवान बनाता है, हमारी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स खत्म कर देता है, ताम्र भस्म है, ये दोनों चीजों भी पित्त स्त्राव के लिए बहुत मायने रखती है। इसके द्वारा वो जो पित्त है ना वो अपने आप येवोर्डेनम जेजुनम इलियम में या आंत्र में आ जाता है। तो ये आरोग्यवर्धिनी इन शॉर्ट में कहना है तो ये कौन सी भी यकृत की या लीवर की कौन सी भी बीमारी हो इसमें 101% काम करेगी। पीलिया के लिए एक बेहतरीन, मैंने खुद एक रिसर्च किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं पूना का रहवासी हूं, पुणे में मैंने MD किया है। जब मैं नानल हॉस्पिटल पुणे में काम करता था तो डॉक्टर श्रीकांत वाघ करके हमारे सीनियर्स टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, वो BAMS करके MD MS करके बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गए पुणे में, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक फिजिशियन है। तो उनके साथ मैंने कुछ दो तीन चीजें की रिसर्च किया था, जैसे कि आप जानते हैं कि हिपेटाइटिस जो है ना, इन्फेक्ट हिपेटाइटिस वायरस, एक ही बात कर रहा हूं मैं, हाँ, तो इस पीलिया रोग में, इस जॉन्डिस में मॉडर्न में ऐसा कुछ स्पेसिफिक उपचार नहीं, वो बोलते कि रेस्ट करना है, आराम करना है, 3 हफ्ते तक आराम किया तो जॉन्डिस चला जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादा वोमिटिंग है तो एडमिट करके सलाइन लगाते हैं, कुछ ज्यादातर विटामिन सी देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स देते हैं और बोलते हैं कि परहेज रखो, फैटी सब्सटेंसेस मत खाओ, ठीक है ना। हम बिलिरुबिन की जांच करवाते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकली दो चीजें मतलब महत्वपूर्ण है कि लोगों को ये पीलिया रोग जिसका है जॉन्डिस है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, चली जाती है और 15 दिन के बाद वो वापस आ सकती है, जो बिलिरुबिन की लेवल बढ़ती है वो 15 दिन के बाद वापस आ सकती है। फिलहाल मैंने डॉक्टर वाघ सर ने और मिलकर एक रिसर्च किया था जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया, हमारी दो
ग्रुप्स बना दिए थे, एक एलोपैथी के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है और दूसरी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट। तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट में हमने पीलिया रोग में आरोग्य वर्धिनी 3 गोली 3 दफा, 3 सुबह 3 दोपहर को 3 शाम को, और उसके साथ कुमारी आसव नंबर 1 हमने दिया था, 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पान। देखिए ध्यान से सुनिए मेरा फॉर्मूला, ये आप यूज कर सकते हैं, मैं गारंटी बोल देता हूं, इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस ए, हाँ? क्योंकि ए और बी अलग अलग होते हैं, हेपेटाइटिस ए की बात जो प्रदूषित जलपान से हो जाता है, खान पान से हो जाता है, ठीक है, भूख नहीं लगती बिल्कुल। तो हमारी रिसर्च ऐसी थी कि जब आरोग्य वर्धिनी 3 3 गोली 3 दफा विथ कुमारी आसो दे दे, तो भूख लगने की जो बात है वो 15 दिन के बजाय 1 हफ्ते में ही भूख लगने लगती है, और बिलीरुबिन की जो बढ़ी हुई लेवल है वो 1 हफ्ते में नॉर्मल आ जाती है। यस, मैं खात्री पूर्वक कहता हूँ, एमडी डॉक्टर हूं मैं, तो इसीलिए ऐसे जोर से बातें करता हूं, क्योंकि जो है वो है, ठीक है। तो आरोग्य वर्धिनी के जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे की भी लीवर खराब हो सकती है, बच्चे की, तो उसमें हिपेटोमेगैली उसको हम कहते हैं, तो उसमें भी ये पित्त की निर्माण और संचालन में रुकावट आ जाती है, पाचन बिगड़ जाता है, और फाइनली बड़े व्यक्ति में होकर, बच्चे में तो होता है, फिर बड़े व्यक्ति में उसका पर्यवसन, उसका जो फाइनल इफेक्ट है वो सिरोसिस बन जाएगा, कभी कभार असाइटिस, पेट में पानी हो जाएगा, हाँ, पेरिटोनियल कैविटी में पानी बन जाता है, तो ये बहुत गंभीर वाली बात बन जाती है। तो ये स्थिति में कई कबार बड़े वाले लोग में जो शराब ज्यादा पीते हैं उनमें भी ये लीवर खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक और अलग वायरस है हेपेटाइटिस बी कर का, उसको सीरम जॉन्डिस कहते हैं, और उसकी जो मतलब हमें इन्फेक्शन की चांसेस है वो एचआईवी जैसी है। जिन स्त्रियों को हेपेटाइटिस बी है उसके साथ आपका लैंगिक संबंध आ गया तो वो पुरुष को वो हेपेटाइटिस बी बन जाता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस ए 100% क्यूरेबल है, हिपेटाइटिस बी 100% क्यूरेबल नहीं होता, उसकी एंटीबॉडीज कम हो सकती है, और धीरे धीरे करके परहेज नहीं रखा तो ये खराबी कर देता है पूरी जीवन की, सीरोसिस बन जाएगा, असाइटिस बन जाएगा, कभी कभी ये फेटल भी हो सकता है, तो सावधान। तो इन सब कंडीशंस में जहां भी आपको आशंका है कि मेरी की लीवर फंक्शन टेस्ट जो है, जो हम खून की जांच करके पता लगा सकते हैं, किसी भी आशंका है आपको, तो क्या करनी है आपको टेस्ट, खून की कौन सी करनी है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें खराबी है तो आपको आरोग्य वर्धिनी का इस्तेमाल करना है। इसके साथ मैंने बात बता दिया है कि जलोदर जो है, असाइटिस, और किडनी विकार में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, सूजन आ जाती है पूरी शरीर को, ज्यादातर ये पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग रहती है सुबह को, ठीक है, हृदय को सीसीएफ बोलते हैं ना, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, उसमें पेडल इडिमा आ जाता है, शाम को हमारे पैरों को सूजन आ जाती है, तो कौन सी भी सूजन है तो उसी में ये हमारी आरोग्य वर्धिनी 100% काम करेगी। आयुर्वेद ने बताया है कि जो पित्त है उसका और रक्त धातु का, क्योंकि यकृत जो है ना वो रक्त वह स्रोतस का आयुर्वेद ने मूल स्थान बताया है, तो मतलब रक्त को कंट्रोल करने वाला अवयव कौन सा है, तो लीवर है, ठीक है, और रक्त का और पित्त का भी बहुत नजदीक का संबंध है। पित्त दोष के कारण ही कई कबार हमारी खून की कमी हो जाती है, एनिमिक कंडीशन आ जाती है, तो इसमें भी आप आरोग्यवर्धिनी इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर मैं बता देता कि ये हीमोग्लोबिन का नॉर्मल है ना 12 to 14%, तो 10 से आगे जाता है, 7 तक जाता है, कुछ हम हिमेटिनिक देते हैं, ऑट्रिन की कैप्सूल आयुर्वेद लोहासो बोलता है, ताप्यादि लोहवटी, तो थोड़ा बहुत सुधर जाता है, फिर 1 2 4 महीने के बाद फिर ड्रॉप डाउन हो जाता है, सुधर जाता है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो ऐसी बार बार जब आपको एनिमिक कंडीशन आ जाती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसमें आपको आरोग्य वर्धिनी का जोड़ लगा दिया तो बिल्कुल परमानेंट आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता हुआ देखेगा आपको, ठीक है। उसके साथ साथ पित्त जब बिगड़ जाता है, रक्त जब खराब हो जाता है, तो हमें त्वचा विकार हो जाता है, स्किन डिसीजेस, चाहे वो खुजली आ जाती है, उसमें एक्जिमा आ जाता है, सूर्यासिस आ जाती है, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो यहां पर भी जहां जहां आपको लग रहा है कि स्किन डिसीजेस हैं और उसमें ज्यादातर खुजली है, उसमें ज्यादातर स्त्राव है, उनमें ही सिर्फ आरोग्यवर्धिनी इस्तेमाल करो। इतनी मैं बढ़िया बात है आरोग्यवर्धिनी कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि सर इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कि आयुर्वेद भी बोलता है कि कौन सा दोष है, कौन सा घटक बिगड़ गया है, इसके ऊपर ध्यान दो। आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल वात और कफ एक साथ जब बिगड़ जाएंगे तो ज्यादा हो सकता है। आरोग्यवर्धिनी एकांतिक वात प्रकृति या एकांतिक वात डिसीज है या केवल पित्त डिसीज है, तो जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसका डोज आपको कम करना पड़ेगा।
जब भी खुजली ज्यादा है, स्राव ज्यादा है, बिंदास आरोग्य वर्धिनी आप महामंजिष्टादि काढ़ा सारी वाद्यासों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, एनीमिया की बात अभी अभी मैंने कहा थी, क्योंकि इसमें लोह और जो ताम्र है उसका फायदा भी हमें, कॉपर और आयरन का फायदा मिल जाएगा खून बढ़ाने के लिए। आगे चलकर हम बता देते कि जब पित्त की बात आती है तो पित्त का संबंध इन्फ्लेमेशन से होता है। जैसे कि एक यह है ना टॉन्सिल होता है, तो टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं ना जिसका इन्फ्लेमेशन हो गया, जहां पर भी ITIS नाम का जो आखिर में आता है ना, ब्रोंकाइटिस, प्लूराइटिस, अपेंडिसाइटिस, एंटराइटिस, कोलाइटिस, ITIS, ये देखिए यहां पर लिखा है मैंने सफिक्स, ये जहां पर है उसका मतलब है वो इन्फ्लेमेशन है, पित्त की शिकायत है। बार बार गले में खराश होना, बार बार टॉन्स की शिकायत है, सेप्टिक, कहीं ना कहीं आपको हमेशा हमेशा इन्फेक्शंस होते रहते हैं। तो इन सब में आपको सपोर्टिव रोल से आरोग्य वर्धिनी का इस्तेमाल करना ही करना है, बिल्कुल उसमें शक नहीं है। क्रॉनिक बुखार, जिसे अक्सर क्या बोलते हैं ना, ये बुखार जो होता है तो उसमें हिपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली हो जाती है, थकान में वृद्धि आ जाती है, एनिमिक कंडीशन आ जाती है, लोह कम हो जाता है शरीर का, दुर्बलता आ जाती है, वजन कम हो जाता है, भूख नहीं लगती, तो इन क्रॉनिक कंडीशन जो होती है कौन सी भी बीमारी की, उनको उसमें सुधार लाने के लिए, उसमें पचन व्यापार, मेटाबॉलिक प्रोसेस को पुष्टि देने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्रॉनिक पीओ, पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, जो बोलते हैं ना अंग में मेरे पूरे बदन के अंदर कुछ ऐसी गर्माहट लगती है मेरी, तो उसमें भी आपको वात कफ का संबंध ज्यादा है तो ये आरोग्य वर्धिनी काम करेगी। कई कबार जब 3 वीक्स से ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहता है ना, टाइफाइड हो या और कुछ है, तो उसमें आपको सिद्ध घृत, मेडिकेटेड घी, जैसे कि दाढ़ी मादी घृत है, इसका इस्तेमाल आरोग्य वर्धिनी के साथ जरूर कीजिए, सिर्फ आरोग्य वर्धिनी मत इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों को, बच्चे हो, बूढ़े हो, यंगस्टर्स हो, बार बार अपच की समस्या, इनडाइजेशन, गैस, इसलिए आरोग्यवर्धिनी का उपयोग आप कर सकते हैं। ये कब्ज की शिकायत 100% दूर करेगी, 100%। तो लगातार 1-1.5 महीने से आप ये लगाकर मल प्रवृत्ति जो है वो अनुलोमन गति से अच्छी तरह से आपको संडास टट्टी हो जाएगी। और एक अलग चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इंटरेस्टिंग बात है, कहीं भी नहीं यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, आरोग्यवर्धिनी का हम लोग इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में भी करते हैं। OMG, ओ माय गॉड, व्हाई सर, व्हाई व्हाई, लेट मी हियर, व्हाई व्हाई, बिकॉज सर ब्लड प्रेशर की तो आयुर्वेद की गोली लोग जटामांसी बोलते हैं, सर्पगंधा बोलते हैं, रसगंधा बोलते हैं, हाँ दिव्य मुक्तावटी बोलते हैं, श्री आरोग्यवर्धिनी कभी सुनी नहीं मैंने। यस, तो जिसका रक्तचाप बढ़ता है तो आप तो जानते हैं कि उसमें चक्कर आना, सिर दर्द होना, कान में आवाज आना, नींद ना आना, कई बहुत सारी तकलीफें होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल लाने में कुछ शिकायत आ जाती है, आपको तो परहेज करना पड़ेगा, नमक कम खाना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, ये तो बात होती है, कौन सी भी दवा लो आप। फिलहाल जब ये ब्लड प्रेशर किसी की वजह से, कौन सी भी वजह से ऐसा ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप 2, 4, 6 महीने तक आरोग्य वर्धिनी का इस्तेमाल कीजिए, 100% आपका बीपी धीरे धीरे कम आते जाएगा। फिर आपको ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करना ही करना है, ये मेरी सख्त आपको विनंती है, सख्त विनंती है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे नहीं करना है कि मैं आरोग्य वर्धिनी ले रहा हूं, डॉक्टर देशपांडे के साथ अंधविश्वास है मेरा, ब्लाइंड फेथ नहीं, कभी भी ब्लाइंड फेथ मत रखना किसी के ऊपर भी। डॉक्टर देशपांडे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए, ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, आपको नियमित रूप से जांच करनी आपकी जिम्मेदारी है भैया, समझ में आगे बात। यह ब्लड प्रेशर वाली बात आयुर्वेद में पित्तावृत वात कहा, पित्तावृत वात, तो उसमें पित्त का भी संबंध है, जैसे मैंने अभी कहा कि आरोग्यवर्धिनी क्या करेगी, हमारी पित्त की नियमितता लाएगी, उसके द्वारा वात का अनुलोमन, हमारी सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाएगा और अपने आप ब्लड प्रेशर बिल्कुल काबू में आ जाएगा। इसके अलावा ये रक्त वह स्रोतस, मतलब ब्लड की संबंधित जो लीवर है उसका ऑर्गन, जैसे एक टॉनिक जैसा एक काम करेगा, हाँ आरोग्यवर्धिनी का शक्ति के रूप में, जैसे कि बच्चों की कुछ शिकायत होती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आरोग्यवर्धिनी एक तरीके से वात प्रधान, कफ प्रधान, या वात कफ प्रधान व्यक्तियों के लिए या बीमारियों के लिए ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाली रसायन टॉनिक जैसा आरोग्यवर्धिनी काम करता है, तो नॉर्मल पर्सन भी
या भूख कम हो जाती है, इंडाइजेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, तो थोड़े दिन तक डॉक्टर की सलाह से ये ले सकते हैं आप। तो आरोग्यवर्धिनी का उपयोग हमने देखा कि पीलिया रोग में, कौन सी भी लीवर की प्रॉब्लम में, असाइटिस में, सूजन में, जीर्ण ज्वर में, चर्म रोग में, कातरी की भी, चमड़ी की बीमारी, रक्तचाप, ये कर सकते। तो स्वस्थ अवस्था में भी भूख लगने के लिए हम आरोग्य, और जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति का आरोग्य सुधार में लाने वाला है। दो दो गोली 3 दफा आप ले सकते हैं। बच्चों में थोड़ा सा एक या आधी गोली 3 बार दे सकते हैं। 125 मिलीग्राम की एक गोली रहती है, पानी के साथ बिल्कुल हम इसके आसानी से इस्तेमाल करेंगे। एक कॉशन मैं बता देता, वार्निंग बोलते हैं, आरोग्य वर्धिनी में ताम्र भस्म है, लोह भस्म है ना, अभ्रक भस्म है, तो ये मेटल्स हैं। तो आयुर्वेद क्या करता है, ये सब जो चीजें हैं उसका प्यूरिफिकेशन करता है। रॉ मटेरियल हम कभी रॉ मेटल्स नहीं यूज करते, तो प्यूरिफिकेशन, शुद्धि करने के बाद भस्म बनाते हैं। तो शुद्धि और भस्म प्रक्रिया अच्छी तरह से होने जाने के बाद आरोग्यवर्धिनी बननी चाहिए। इसीलिए आरोग्यवर्धिनी परचेस करते समय जाने मानी कंपनी की ही टैबलेट लेनी चाहिए। कौन सी भी हर्बो मिनरल प्रिपरेशन के बारे में रिस्क नहीं लेनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बैद्यनाथ है, दूध पापेश्वर, आयुर्वेद अश्रा, ऐसा नहीं, एक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि जाने मानी कंपनी से आप ये लेनी चाहिए दवा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी वो भी कौन सी भी आरोग्य के बारे में शिकायत है, तो आयुर्वेद एकेडमी आपके लिए मदद के लिए तैयार है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। कौन सी भी मेडिसिन की मैं बात करता हूँ हमेशा, तो एक आपको सलाह देता हूँ, वैधानिक इशारा, डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। आपको ये मेरी सीरीज आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जब ड्रग रिव्यूज लेते हैं डॉक्टर देशपांडे, इतने अच्छे अच्छी बातें कहते, समझा देते हैं, इसी के लिए कृपा करके वीडियो लाइक शेयर करना मैं विनंती करता हूँ हमेशा के लिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।